लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, अब चुप ही रहें तो अच्छा है। दोस्तों, एक सवाल जो कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार जो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहते हैं, क्या इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है? क्या इनके ऊपर किसी की लगाम नहीं है? क्या ये सिर्फ आज़ाद हैं, जो इनका मन चाहेगा ये लोग वो चलाएंगे? तो आज उसी का एक इतना बेहतरीन जवाब इन लोगों को दिया गया है, ऐसा सबक सिखाया गया है इन गोदी मीडिया के एंकरों को कि शायद अब ये इस चीज़ को कभी ना भूले और हमेशा याद रखें। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि नफरत की हांडी एक दिन फूटती जरूर है। गोदी मीडिया ने समझ लिया था कि हम मोदी मोदी चिल्लाएंगे और उसके बाद मुसलमानों और इस्लाम के बारे में जो चाहे बोले, जितना चाहे उनको गाली दें, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन शायद वो इस बात को भूल गए थे कि वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर मोदी से भी ऊपर लेवल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंड अथॉरिटी ने 3 टीवी चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है, उनके ऊपर कई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उनको उन वीडियोज को फौरन डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें दिखाई और खुलेआम नफरत फैलाई थी। जिन पत्रकारों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है वो गोदी मीडिया के 3 चाटुकार पत्रकार हैं। मैं उनके नाम आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे बताने से पहले आप अपने दिमाग में जरा सोचिए कि वो 3 कौन हो सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए। तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ, इनमें पहला नाम है अमीश देवगन। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो क्या? जी हाँ। और दूसरा नाम है अमन चोपड़ा, और जो तीसरा नाम है वो है सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी पत्रकार। जी हाँ, तीनों के बारे में आप काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि किस तरह की लोगों की इज्जत है लोगों की नजरों में और किस तरह की इनकी जो खबरें हैं वो होती हैं, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। दरअसल इन लोगों ने श्रद्धा मर्डर केस पर और जो रामनवमी पर कुछ हिंसा हुई थी उसको लेकर मुसलमानों के बारे में खूब नफरत फैलाई थी और एक से बढ़कर एक गलत झूठ बोल बोलकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इन्होंने खबरें चलाई थी। अगर एक आरोपी मुस्लिम था तो इन्होंने पूरे समाज को, पूरे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, तो उसी को लेकर इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। और इसके बाद टाइम्स नव भारत पर 1 लाख रुपये और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और आज तक को चेतावनी दी गई है और इनको फौरन निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन के अंदर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए, वरना आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आप कभी कोई भी न्यूज नहीं चला पाओगे। NPDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK Sikri ने कहा कि किसी भी अंतर्धार्मिक यानी कि कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उस विवाह को आप लव जिहाद का नाम नहीं दे सकते, जैसा कि अब चल रहा है देश में कि कोई भी अगर मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो उसको लव जिहाद का नाम देकर पूरे मुसलमानों को और इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा प्रचार किया जाता है। तो इस चीज पर सख्त एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और NPDSA की तरफ से कि इस तरह का कोई भी वर्ड आगे से मीडिया में सोच समझकर इस्तेमाल करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लव जिहाद वर्ड आगे से सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए क्योंकि हमारी नजरें अब हमेशा तुम पर बनी रहेंगी, क्योंकि एक आरोपी या फिर कुछ लोगों की वजह से पूरे संप्रदाय को बदनाम नहीं किया जा सकता, उसके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने और NPDSA ने बहुत तगड़ी खिंचाई की है इन गोदी मीडिया एंकर्स की और इनको सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि और आगे से भी अगर ये इस तरह की गलती करते हैं तो यकीनन इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि इनको चैनलों से भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं, उसके बावजूद इतने बड़े चैनल्स पर इनको जो रखा गया है, यहाँ पर सवाल उठता है। बाकी आपको NPDSA और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या लगता है, क्या उन्होंने सही किया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। बने रहिए हमारे साथ, आपकी जरूरत है।